सेल, इसमें क्रोमोसोम है, ठीक है। तो इसको अलग करना है, तो इसके साथ जो है एक फाइबर कनेक्ट होगा, एक फाइबर कनेक्ट हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर जो क्या करता है, दोनों को एक दूसरे से खींचता है, इस दोनों के बीच में जो है, इस दोनों एक्चुअली क्या है, ये इस तरह से नहीं, इस तरह से अरेंजमेंट होता है, देखो ये चीज है। और ये है इसका सेंटर से कनेक्ट होगा फाइबर से, और इस फाइबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, जो कि सेंट्रियोल के हेल्प से ऐसा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा, प्लांट सेल में नहीं होता है। तो एक सवाल आता है कि आखिर प्लांट सेल का जो है, प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होता है? तो वहां पे ध्यान रखना है तुम लोगों को कि वहां पे सेल प्लेट एक एक स्ट्रक्चर है, सेल प्लेट एक स्ट्रक्चर है जो कि ये सारा काम वो कर, हो या माइटोसिस हो, किसी में भी सेल डिवीजन हो रहा है, और वो अगर एनिमल है तो उसमें सेंट्रियोल होगा, और अगर प्लांट है तो उसमें क्या हो गया, प्लांट है तो सेल प्लेट हो जाएगा। अब देखो सेंट्रियोल डिवीजन के साथ साथ में रेप्लिकेट भी करता है, ठीक है, रेप्लिकेशन का भी कैपेसिटी है। जैसे एस फेज में जो है ये सेंट्रियोल जो होता है एस फेज में, जब सेल डिवीजन का एस फेज देखेंगे तो 2n के जगह 4n, तो ये रेप्लिकेट कैसे हुआ, तो ड्यू टू सेंट्रियोल, ठीक है। इसका एक स्ट्रक्चर है जिसको हम बोले थे कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो अभी हम नोट कर रहे हैं और तुमको हम उसमें समझाएंगे, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है, कभी कभार क्वेश्चन पूछता है उससे, ठीक है। सो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तुम लोग बना, थोड़ा सा राउंड बनाना, ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, ये राउंड बनता है बीच में, ठीक है ना, तो ध्यान रखना तुम।
देखो इसमें जो है ध्यान से देखना, इसमें ये ट्रिपलेट फाइब्रिल है और इस दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है उसको, मतलब ये दोनों ट्रिपलेट को कनेक्ट करता है उसको सीए कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारा बीच में जो पार्ट है इसको 9 स्पोक, उसमें भी स्पोक बोले थे। बीच में सेंट्रल हब है जिसको सेंट्रल रॉड बोलते हैं, यहाँ पे 0 का अरेंजमेंट है, ठीक है। और इसमें देखो ये भी 9 है, आई मीन 9 ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखना क्योंकि ये इसका जो अरेंजमेंट है वो पूछता है, तो 9 और बीच में कोई सेंट्रल शीट नहीं, कोई सिंगलेट वगैरह नहीं होता है। इसका जो अरेंजमेंट है वो 9+0 है, जो सेंट्रियोल का होता है, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। जो बस इसमें एक चेंजिंग आ गया, इसमें ट्रिपलेट हो जाएगा और यहाँ पे कोई भी सिंगलेट नहीं होता है। लेकिन अगर फ्लैजिला की बात करें या फिर सीलिया की बात करें, उसमें में उसमें क्या था, डबल आई मीन ट्रिपलेट था, या ट्रिपलेट फाइब्रिल था और अंदर में 2 सिंगलेट फाइब्रिल वहां प्रेजेंट था, इसलिए वहां 9+2 अरेंजमेंट है, यहाँ 9+1 अरेंजमेंट है, यही डिफरेंस है, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बारे में फिर लिखवाते हैं, ठीक सर, है। हाँ बोलो। ये सी वाला जो है वो हमेशा एक के साथ कनेक्ट होता है। सर हाँ, ऑलवेज ए के साथ कनेक्ट होगा, इसीलिए सी ए लिंकर यहाँ पे हम दिखा दिए, सी ए लिंकर ऑलवेज कनेक्ट होगा, ठीक है। सेंट्रल रॉड का काम क्या होता है? इसका ये तो कनेक्ट करके रखेगा ना, कनेक्ट सबको कनेक्ट करके रखा है, रॉड के मतलब स्पोक के थ्रू कनेक्ट करके रखा है। अरे साइकिल का चक्का समझ लो ना, बीच वाला जहाँ पे उसको बांधते हैं वो हमारा हो गया हब, रॉड और स्पोक है, और ये चारों जो है वो स्टील का एक तरह का पहिया तरह बन गया, जिसको हम लोग कार्टव्हील, देखो लिखे हैं कार्टव्हील स्ट्रक्चर, कार्टव्हील समझ रहे हो ना, जो बैलगाड़ी का व्हील होता है कार्टव्हील, सेम स्ट्रक्चर में ये दिखता है, बस इसीलिए कार्टव्हील स्ट्रक्चर इसको लिखा गया सेंट्रियोल में। यही है 3-4 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्या काम करता है, हब वगैरह जो है इसका क्या काम है, कनेक्टर का क्या काम है, बस वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो भी हम लिखवा रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर बना लो या नहीं तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसका हम उसको इसके बारे में लिखेंगे। अभी तक मैं देखो हम तुमको एक चीज बताते हैं, अभी तक में जो है इसका स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछता है, अरेंजमेंट पूछा है क्वेश्चन। हब एंड स्पोक जो है वो कभी कभार स्टेटमेंट आता है क्योंकि डिफरेंस में समझ में आता है, बाकी बात मेनली क्या पूछता है कि एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट है, क्या मतलब सेंट्रियोल, क्योंकि एनिमल सेल में सेंट्रियोल है तो वो स्पेशलाइज्ड करेक्टर हो गया एनिमल सेल का, तो वो पूछता है, ठीक है, जो कि ओवरव्यू ऑफ सेल में हम तुमको टेकआउट कराए थे, ध्यान देना वहां, ठीक है। इसको इसको बना लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सेंट्रियोल हम लिखेंगे और हो जाएगा तो बताओ हमको। हो गया सबका, हाँ सर, हो गया। ठीक है। मिटाए इसको, टॉपिक लिखो सेंट्रियोल।
सर डुप्लीकेट से बात क्या लिखूं? डुप्लीकेट्स एस्ट्रल पोल, एक्चुअली एस्ट्रल पोल जो होता है ना, देखो एस्ट्रल पोल इसीलिए बोला गया है यहाँ पे, बेसल बॉडी एस्ट्रल पोल ये दो चीज ऐसा है जो सेल के डिवीजन मतलब स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे कि जैसे मान लो जब क्रोमोजोम एक इक्वेटोरियल लाइन पे आ गया, एक लाइन पे आ जाता है, ये बेसल बॉडी क्या होता है, धीरे धीरे मूव करके पोल पे आ जाता है, और यही बेसल बॉडी और एस्ट्रल रे मिलके जो है फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो है अटैच करता है। मतलब यहाँ पे पोल पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो एस्ट्रल रे या फिर बेसल बॉडी जो बोलते हैं उसको, ये एस्ट्रल रे के कारण ही होता है, इसलिए एस्ट्रल रे बेसल बॉडी वहां पे बोला गया। ठीक है, तो सेल डिवीजन में बहुत ज्यादा इसका यूज हो जाता है डायरेक्टली। ठीक है, सर सेकंड पॉइंट में यूजुअली टू सेंट्रोइड आर के बाद क्या लिखें? फाउंड एसोसिएटेड टुगेदर। ऐसे इसको नोट कर लो क्योंकि कुछ कुछ वर्ड इसमें आ रहा है जो हम समझाएंगे। ठीक है ना, आराम से इसको कर लो। सर यूजुअली टू सेंट्रियोल आर के बाद क्या लिखे हैं? एसोसिएट आर फाउंड। सर इट पॉजेज आर के बाद क्या लिखे हैं?
इट पॉजेस अ रोल डब्ल्यू एच ओ आर एल रोल ऑफ 9 पेरिफेरल फाइब्रिल फाइब्रिल आर एब्सेंट इन द 9 पेरिफेरल फाइब्रिल्स होगा फाइब्रिल आर एब्सेंट इन द सेंटर मतलब सेंटर पे नहीं होता है इसलिए इसका अरेंजमेंट का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या बोलते थे द अरेंजमेंट इज देयर फॉर 9 plus 0 सर लास्ट वाले पॉइंट में सब फिब्रिल आर इन के बाद क्या लिखे हैं ये सब फिब्रिल ना उसके नीचे वाला सर आर इन रियलिटी सॉरी रियलिटी ने रियलिटी होगा कल स्पेलिंग गलत हो गया reality microtubule joined together by their margin margin se together matlab attached hota hai sir it possesses a ke baad kya likhe hain role of 9 peripheral fibrils bahut dheere dheere likh rahi hai diksha batao thoda haath chala jaldi jaldi theek hai sir ha dekho thoda pehle isme samajh lo theek hai kya samajh aa raha hai हाँ ठीक है पहले एक बार समझ लो फिर नोट कर लेना उसको हम समझा रहे हैं देखो सेंट्रियोल के बारे में बता रहा है कि ये जो है एक सब माइक्रोस्कोपिक माइन्यूट स्ट्रक्चर है जो कि 9 फाइब्रिल के अरेंजमेंट में प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग 9 ट्रिपल फाइब्रिल बोलते हैं ठीक है ना दूसरा चीज है इसका जो एबिलिटी है इसका क्या एबिलिटी है ये खुद रेप्लीकेट हो सकता है बेसल बॉडी बना सकता है एस्ट्रल रे भी बना सकता है जो सेकंड में हम यहाँ दिए डुप्लीकेट ऑन डुप्लीकेट्स एस्ट्रल पोल एंड बेसल बॉडी वन विदाउट हैविंग डीएनए एंड मेम्ब्रेन कवरिंग मतलब सेंट्रियोल में कोई भी कवरिंग मेम्ब्रेन का नहीं होता और उसमें कोई भी डीएनए नहीं प्रेजेंट है फिर भी वो ये रेप्लीकेट कर सकता है ये चीज बोलने का मतलब इसका सेकेंड है सेंट्रियोल यूजली जो होता है वो दो मतलब एक साथ अरेंज होता है ठीक है लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ये जो है एक साथ दो ही सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोसोम ठीक है ये मान लीजिए स्ट्रक्चर है तो ये हमेशा कंबाइंड में रहेगा लेकिन मैक्सिमम जो है वो टू इन नंबर ही रहता है इसलिए डिप्लोसोम इसका नाम दिया गया है दूसरा कि सेंट्रोसोम कब पड़ा नाम
जब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो उसको सेंट्रोसोम बोलेंगे। अब दो है, चार है, पांच है, उससे मतलब नहीं है। अगर दो, यूजुअली दो होता है जो कि डिप्लोसोम होते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी होगा या फिर पांच छह दस जो भी है, अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहेगा तो सिंपल यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म को ही यहाँ पे सेंट्रोसोम लिखा गया है और ये सिर्फ एनिमल्स में प्रेजेंट है। अब देखो ये जो सेकेंड लास्ट एंड लास्ट जो लाइन लिखा है, इसका कहने का एक ही मतलब है, इसका जो फाइब्रिल है वो चारों तरफ नाइन में प्रेजेंट है, बीच में किसी भी तरह का कोई फाइब्रिल नहीं है, इसलिए इसका अरेंजमेंट नाइन प्लस जीरो है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि ये जो सब फाइब्रिल है, फाइब्रिल जो होता है वो नाइन अरेंजमेंट में है, लेकिन वो नाइनो अरेंजमेंट में कैसे है, तो वो एक फाइब्रिल तीन सब फाइब्रिल से मिलके बना है। देखो जैसे ये था ना ए बी सी, ये तीनों को हम बोले फाइब्रिल, लेकिन इसको 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 ये तीनों को हम लोग बोल रहे हैं सब फाइब्रिल। वही अभी मतलब यही बोला है कि वो तीनों को तीन सब फाइब्रिल एक साथ अटैच होता है, और वो अटैच जो होता है वो मार्जिन से अटैच। देखो जैसे मार्जिन से हम कैसे बताएं, ए बी एंड सी, दूसरा होगा ए बी एंड सी, इस तरह से। तो सी से ए मार्जिन से ही ना कनेक्ट होगा, इसके लिए तो और कोई ऑप्शन है ना, तो सी ए लिंकर जो हम लोग लिखे थे वहां मार्जिन हो, मार्जिन भी हम वहां पे लिख सकते हैं, वही लिखा हुआ है मार्जिन, जिसको सी ए लिंकर या जिसको सी ए प्रोटोफिलामेंट सॉरी प्रोफिलामेंट भी बोलते हैं, सी ए लिंकर प्रोफिलामेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही है, समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो पॉइंट में, आगे बढ़े। हाँ सर, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। डिप्लोसोम फिर से थोड़ा बताइए ना। डिप्लोसोम कहने का मतलब है कि सेंट्रियोल जो होता है हमेशा वो टुगेदर रहता है, एक से ज्यादा ही रहता है। अगर वो दो रहा तो डिप्लोसोम, और अगर उससे ज्यादा रहा तो सेंट्रोसोम बोल रहे हैं उसको। एक से ज्यादा रहा तो सेंट्रोसोम, लेकिन अगर दो अरेंज हुआ तो उसको डिप्लोसोम। बस सेंट्रोसोम कॉम्प्लेक्स फॉर्म, डिप्लोसोम दो सेंट्रोसोम का सॉरी दो सेंट्रोल का एक साथ उनका फॉर्म वो बता रहा है। ठीक है, प्रोटीनियस लिंकर मतलब वही वही सी ए लिंकर जो हम लिखे थे, सी ए लिंकर लिखे थे ना देखो फिगर में, तो ये प्रोटीन का होता है बस, इसलिए प्रोटीनियस लिंकर बोल रहे हैं। ठीक है, यस
सर ईच स्पोक हैज क्या लिखे हैं उसके बाद थिकनिंग मतलब सर थिकनिंग अरे थिक 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 लीन एंड थे थिन एंड लीन एंड थी नहीं थिक एंड सॉरी थिक एंड थी नहीं समझे मोटा मोटा यस सर वही है ये कंप्लीट हो गया ठीक है देख लो इसको सबसे पहला सीए लिंकर क्या हुआ यहाँ पे ध्यान देना ठीक है लिख रहा था एडजेसेंट ट्रिपल फाइब्रिल आर कनेक्टेड बाय सीए प्रोटीनियस लिंकर तो ए बी एंड सी तो ये जो लिंकर है यही हमारा सीए लिंकर है ठीक है पहला वही बोल रहा है दूसरा सीए लिंकर से जो अंदर की तरफ कनेक्ट हो रहा है ठीक है ये बीच में सेंटर पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं हब ठीक है और वही हब जो है एक इस मतलब एक बोल सकते हो प्रोटीनियस स्टैंड बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोक जिसको बोलते हैं ये हमारा हब रॉड से हब देख लो फिगर में और ये हमारा स्पोक ठीक है अब देखो ये जो कनेक्ट है इसको हम लोग एक्स वाई भी बोलेंगे एक्स वाई क्योंकि जब जैसे मान लिया जाए ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है इस दोनों के बीच में कौन है सीए लिंकर है तो यहां से यहां पे भी एक होता है लिंकर और यहां पे भी एक लिंकर होता है लेकिन इस दोनों के बीच को देखो हम ब्लू कलर का वहां बनाए थे फिगर जिसको हम लोग यहाँ बता रहे हैं एक्स वाई लिंकर ये एक्स ये वाई ये दोनों को लिंक करने वाला जो थिकनिंग बैंड होता है ठीक है अब इसका पूरा अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो वो कार्टविल के तरह दिखता है वही लास्ट का पार्ट है स्पोक और पेरिफेरल फाइब्रिल की वजह से ये कार्टविल का स्ट्रक्चर शो करता है बस यही है बोलो आप प्रेजेंस ऑफ क्या लिखे हैं प्रेजेंस ऑफ रेडियल स्पोक पूछो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो
हो गया नोट? यस सर। दीक्षा नोट कर ली? यस सर। और सबको ये नोट कर लियो ना यामिनी? यस सर। हो गया नोट ना? समझ में आया? इसमें कुछ दिक्कत है तो पूछ सकते हो। विवेक? यस सर। हाँ हो गया ना? ठीक है, yes, कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, स्पोक और हव के बारे में पूछता है स्टेटमेंट में, ठीक है? अभी तक का क्वेश्चन यही देखा गया, बट बहुत कम पूछता है। इसमें बस ध्यान रखना है कि 9+0 का एलिमेंट याद रखो, और सेल डिवीजन में ये ट्रांसफॉर्म जो होता है बेसल बॉडी में एंड एस्ट्रल रे में, क्योंकि सेल डिवीजन के टाइम पे वो काम आता है, ये सब चीज थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसका फंक्शन अगर पूछा जाए तो सेल डिवीजन, क्यों सेल डिवीजन? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये हो सकता है। और सेल रेप्लिकेशन का जो मैकेनिज्म है वो एस फेज में होता है, जो 2n के जगह पे 4n हो जाता है, क्रोमोसोम डबल हो जाता है। अगर डिप्लॉयड हुआ तो 2n नहीं तो 4n, और अगर हैप्लॉयड हुआ n हुआ तो 2n हो जाएगा। वो भी हम अभी क्योंकि सेल डिवीजन भी आया नहीं है वहां पे भी, और उनको समझ में आया कि वो कैसे वो होता है, तो जैसे वहां पे जो मैकेनिज्म होता है ड्यू टू सेंट्रोल की वजह से ही हो पाता है, ठीक है? हाँ हाँ बोलो सर। रेडियल स्पोक क्या होता है? रेडियल स्पोक, अरे ये जैसे मान लीजिए जब हम एक ही बना रहे, ये इस तरह का हो गया ना, बीच में जो है ये क्या हो गया, ये हब हो गया, ठीक है, ये स्पोक हो गया, स्पोक हो गया, ठीक है? क्या होता? क्या स्पोक? अरे स्पोक क्या होता है, लिंक करता है ट्रिपलेट को बीच से, लिंक करेगा। फिगर देखो, फिगर देखो, वहां पे तुमको दिखेगा, फिगर देखो, फिगर को सामने रखो, अगर नोट कर लियो तो सामने रखो, देखो उसमें हब कौन है, स्पोक कौन है, फिर पूछो, फिर तुमको, क्योंकि जब तक फिगर नहीं देखोगे तो समझ में आएगा किसको क्या क्या कहां बोल रहा है। देखो सब फिगर देखा सर, थर्ड पॉइंट बताइए ना। थर्ड पॉइंट, इसका थर्ड पॉइंट, यस सर। देखो होता क्या है कि साइड में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको हम मिटा दें? यस सर। मिटा दें, ठीक। यस सर। फिगर बना लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आ जाए। ए बी सी, ए बी सी, ये दोनों लिंक कर लिया अपने आप को, ये दोनों लिंक कर लिया, ठीक है, ये सी ए लिंक कर हो गया। अब इस दोनों के बीच में भी लिंकिंग होगा, देखो फिगर में हम एक डॉट बनाए हैं इस दोनों के बीच में, ब्लू कलर का होगा, हम यहाँ रेड दे रहे हैं, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, इस तरह से पूरा ये अरेंज रहेगा, तो वही एक्स वाई थिकनिंग को बताया गया, ठीक है? ये एक्स वाई, फिर यहाँ पे फिर एक्स, फिर ट्रिपलेट आएगा यहाँ, फिर में बीच, फिर में बीच में वाई आ जाएगा, फिर एक्स फिर वाई, इस तरह से इसी को थिकनिंग बोलते हैं। और बोलो और कुछ इसमें क्वेश्चन है, और इसमें कुछ अगर डाउट है तो पूछ सकते हो सर। सर हम लोग का जो टेस्ट में सर ना लिविंग वर्ल्ड आएगा, तो सर आप कुछ उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर हम लोग को, ऑब्जेक्टिव में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताओ तो सर। बहुत होता है सर, ऑब्जेक्टिव में ही तो होता है। नहीं, ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ दिया गया, असाइनमेंट आया ना, ऑब्जेक्टिव के लिए असाइनमेंट मिला है कुछ? यस सर। असाइनमेंट मिला उसको बनाओ, ठीक है ना, और उस असाइनमेंट से ज्यादा मतलब बना के देखो अपने, यही टाइम है, ठीक है ना, कि हमको कितना चीज समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, कैसे समझ में आया, ठीक है?
और डाउट के लिए जब होगा तो क्लास में डाउट कर सकते हो, वैसे भी डाउट के लिए टाइमिंग निकाला जा रहा है, तुम लोग को मिलेगा प्रीवियस का जो भी डाउट वगैरह है या टेस्ट का होता है या फिर हम पीछे पढ़ रहे हैं उसके लिए अभी डाउट टाइम निकाला जा रहा है, टाइम तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बनाओ, जो डाउट है वो डाउट हमसे पूछ सकते हो, ऐप में अपना आराम से क्वेश्चन भेजो, हम ऐप भी देख रहे हैं, ठीक है ना। बाकी बात फिर हम लोग ऐसे भी क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि डिस्कस करेंगे तभी समझ में आएगा। तो असाइनमेंट तुम लोग को मिल गया तो हम भी एक बार मंगवा लेते हैं, तो उसमें तुमको आसानी होगा, बस क्वेश्चन नंबर बताना, हम डायरेक्टली तुमको उसको सॉल्व कर देंगे कि क्या बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, उसका आंसर क्या है। और अपने मन से उसको बैठ के बनाओ, कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ो, तुम्हारे पास नोट्स वगैरह सारा अवेलेबल है आई थिंक, ठीक है ना, तो उस चीज को सामने रखो और पढ़ो आराम से, क्वेश्चन बनाओ ताकि कौन गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, क्या हम सोच के बनाए, वो सब अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फायदा होगा क्योंकि अभी बना लोगे तो उसी तरह से तुमको एक थिंकिंग करने का कैपेसिटी बढ़ जाता है कि हम कैसे क्या सोच रहा है, क्वेश्चन में कैसे बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो जो भी असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव वाला मिला उसको बनाओ, अब कोई भी प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टली क्लास में डिस्कस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और या नहीं तो फिर चैट है वहाँ ऐप में, उसको तुम भेज सकते हो, वहाँ पे भेज सकते हो, वहाँ पे हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसको बना, अगर इम्पोर्टेंट बोल के कुछ होता नहीं है, बस हम यही चीज बोल लेंगे कि जो जितना आप तुमको बताएं टॉपिक से उतना तुम जरूर बना, हमारा 60-70% क्वेश्चन वहीं से रिलेट रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी बनेगा वहीं से बनता है जो कि हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, तो वहां से बना। हाँ बोलो। मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है सर जिसमें आपको ऐड किया है, तो सर उस ग्रुप में सर भेज सकते हैं ना सर क्वेश्चन? अच्छा हाँ भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप देखेंगे तो ना सर? अरे तुम भेजोगे तब तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि नहीं तुमको, बताओ? हाँ सर मिल जाता है सर। तब फिर मिलता है कि नहीं? मिलता है आराम से, ठीक है, वो भेज सकते, कोई दिक्कत नहीं, बना लिए तो कोई बात नहीं, ऐसे चैट सेक्शन पे भी भेजोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि सबको देखिएगा ना, और सब स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, तो वहां पे भेजो, हमको भी भेजो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह पे क्या होता है, थोड़ा हम लेट से देखते हैं, मतलब कभी रात वगैरह में 10-10:30 बजे फ्री हुए तो उस टाइम देखेंगे, या फिर फ्री हुए तो देखते हैं, तो हम देखते हैं रिप्लाई करेंगे, और दीक्षा तुमको तो रिप्लाई भी किया हम, ठीक है ना, तो इसके लिए वो सब सोचना नहीं है, जैसे होगा रिप्लाई कर देंगे हम तुरंत, मतलब ज्यादा ज्यादा एक दिन डिले होगा, ज्यादा डिले नहीं होगा, वो भी एक्सट्रीम केस में होता है, बट हम जरूर देखते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सो आराम से डाउट वगैरह जितना पूछ सकते हो, जैसे सोर्स है, ठीक है, डायरेक्टली तो हम तो डायरेक्टली एक ही बात बोलेंगे, क्लास में पूछो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि और सारे स्टूडेंट लोग भी समझेंगे और देखेंगे जो भी है, तो वो लोग भी पूछेंगे, और क्या। और नॉर्मली क्या होता है ना कि डिस्कस करने से बहुत दिन तक याद भी रहता है और उसका एग्जैक्टली रीजन भी पता चलता है, क्योंकि हम इस ग्रुप में मान लो 5 या 6 स्टूडेंट या 10 स्टूडेंट जो भी है, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होता है, वो डिस्कस होने से बाहर निकलेगा तो दूसरे को भी पता चलेगा, दूसरा भी अपना कंक्लूजन देता है, कमेंट करता है उस चीज पे कि हाँ ऐसा होना चाहिए सर, ऐसा होता है वैसा होता है, या भी जो भी हो एक डिस्कशन का, ठीक है, वो सही है, तो उसी के लिए हम लोग एक निकाल रहे टाइम और वो होगा, ठीक है, सो वो कर सकते हो, ठीक है। फिर तो हम लोग आगे, अभी इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 वर्ड याद रखना सेंट्रियोल के लिए, पहला कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होता है, दूसरा कि इसका अरेंजमेंट 9+2 एंड कार्टविल क्यों दिखता है, क्योंकि रेडियल एंड स्पोक का अरेंजमेंट की वजह से दिखता है, कितना फाइब्रिल है, 3 सब फाइब्रिल है, ये सब ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जो अभी हम तुमको बताते हैं, ठीक है। बाकी बात थियोरेटिकल तो इतना लिखा दिए कि इतना ज्यादा 3 मार्क्स का मैक्सिमम पूछता है, ठीक है। हाँ फंक्शन पूछेगा तो 2-3 फंक्शन याद रखना, पहला फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिविजन, दूसरा सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम ही ट्रांसफॉर्म करता है एस्ट्रल बॉडी या एस्ट्रल रे बोल सकते हो या बेसल बॉडी में, जो कि सेल डिविजन में उसका यूज हो जाता है, ठीक है। तो सेंट्रियोल और बेसल बॉडी दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन वाला बात हो जाता है बस, ठीक है, यही चीज है। चलो अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियस का मेन पार्ट, सॉरी सेल का मेन पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, थोड़ा सा इसका जनरल साइंटिस्ट वगैरह हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। बताओ कौन न्यूक्लियस को डिस्क्राइब किया था पहला? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन कब देखा था?
सर हिस्ट्री का तो डेट याद नहीं रहता सर, इसका कैसे है? सर 1855 में सेल थ्योरी का एक्सटेंड हुआ था, ठीक है? तो इसका है 1831 रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है 1831। एक और चीज है इसमें बताओ, ये किस सेल में सबसे पहले देखा था? तो इसको याद रखना ना, ऑर्किड रूट सेल, ऑर्किड रूट सेल, रूट सेल। अच्छा हाँ सर, ऑर्किड रूट सेल में ऐसा होता है, ठीक है ये चीज है। तो ऐसा है रॉबर्ट ब्राउन और की ऑर्किड रूट सेल्स, ये दो चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आता है, उसके बाद बहुत सारे जैसे लेवेनहॉक जो है आरबीसी में देखा कि उसमें न्यूक्लियस नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिर धीरे धीरे हर एक सेल को निकाला, उसके उसमें देखा, डिस्कवरी इसका बहुत है, हिस्ट्री बहुत है हर एक चीज को। जैसे मान लियो सिंपल है, कोई सेल में कोई न्यूक्लियस को निकाल दे रहा तो अपना नाम तो देगा ही, वही चीज है। बट रॉबर्ट ब्राउन जो फर्स्ट टाइम ऑर्किड रूट सेल में इसको मतलब ढूंढा था 1831 में, इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है। अब देखो न्यूक्लियस क्या है, इसके बारे में सबसे पहले समझ लो कि न्यूक्लियस एक चीज है कि न्यूक्लियस का दूसरा नाम क्या है, कि ब्रेन ऑफ द सेल, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, हेड ऑफ सेल, सब कुछ उसी को बोलता है, क्योंकि सेल में जितना भी मैकेनिज्म हो रहा है, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, चाहे किसी को कुछ भेजना हो लाना हो, जो भी है वो सारा काम करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाता है कि इनहेरिटेबल कैरेक्टर को कैरी भी करता है, मतलब ट्रांसफर भी करता है और एक्सप्रेस भी करता है, मतलब स्टोर करने का भी काम, रखता भी वही है, वही दिखाता भी है कि हाँ यही मेरा कैरेक्टर है, और वहां भेजता भी वही है। इसीलिए न्यूक्लियस को बोला जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, या कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी सेल बिना न्यूक्लियस के काम नहीं करेगा। और सेल है तो ऑर्गेनिज्म है, और ऑर्गेनिज्म तभी काम करेगा, मतलब सेल तभी काम करेगा जब न्यूक्लियस है, मतलब अल्टीमेटली कह सकते हैं कि जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस डायक्लियस पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस जो है क्या है, तो ये तो इसका थोड़ा सा था इसका कि मतलब इसका क्या, क्यों न्यूक्लियस होना चाहिए। बट न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स हम बोल रहे हैं, मतलब कि इसका आउटर एंड इनर लेयर होगा, या आउटर मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में पढ़े थे, समझ गए, ठीक है। दूसरा कि ये जो है डबल मेम्ब्रेन तो है ही, साथ में ये जो है कंसिस्ट होता है फोर पार्ट्स से, इट कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट्स, ठीक है। सबसे फर्स्ट में हो बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर इनवेलप, तो न्यूक्लियर इनवेलप बहुत ही सटीक वर्ड है, उसको यूज कर सकते हैं हम लोग। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब इसका अल्टरनेट नाम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तीसरा पॉइंट हो जाता है क्रोमेटिन थ्रेड। और चौथा हो जाता है, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोलस, क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, ठीक है। अब इसी में हम लोग मेनली क्रोमेटिन थ्रेड के बारे में जब पढ़ रहे हैं, तो क्रोमेटिन थ्रेड कंडेंस होकर क्रोमोसोम बढ़ता है, तो क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे, उसका क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड, काइनेटोकोर, ये सब भी इसी में पढ़ना है। तो आज इसमें हम क्रोमोसोम का डिटेल स्टडी भी करेंगे, ठीक है, कि क्रोमोसोम बनता किससे है, क्योंकि क्रोमोसोम अल्टीमेटली डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, तो वो न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोटीन से ही मिलके बनेगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। सो न्यूक्लियर सबसे फर्स्ट में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो न्यूक्लियर इनवेलप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियर इनवेलप, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप, ठीक है। तो न्यूक्लियर इनवेलप जो होता है वो क्या है, न्यूक्लियर इनवेलप, इट इज आउटर कवर
covering or two-membered outer covering structure contain nuclear pore. क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर. मान लो सपोज हम आधा बना रहे हैं, ये मान लो न्यूक्लियस का सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये इस तरह से बीच बीच में जो स्पेस रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियर पोर बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. इट कंटेन न्यूक्लियर पोर. तो न्यूक्लियर पोर का क्या काम है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो डेड होता है. इट इज डेड. कौन? न्यूक्लियर एनवेलप. लेकिन न्यूक्लियर पोर जो है, न्यूक्लियर पोर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है. क्यों? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. चलो ठीक है, ये हमारा यहां से, ये हमारा सेल है, ये हमारा सा न्यूक्लियस है. मान लो अंदर में कुछ बना, उसको बाहर आना है, साइटोप्लाज्म में आना, तो कैसे आएगा? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डायरेक्टली हम लिख दिए कि भाई वो डेड है, वो कुछ करेगा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का काम होता है इंटरनल पार्ट ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर पार्ट ऑफ सेल, मतलब सॉरी न्यूक्लियस आउटर पार्ट ऑफ न्यूक्लियस. मतलब सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन है तो ये साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म. और अंदर में जो हम लिखे न्यूक्लियोप्लाज्म, इसका जो पार्ट है, इसका पार्ट है, दोनों को सेपरेट करने का काम किसका है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का. और उसी में जो न्यूक्लियर पोर होता है, वो पोर का काम ही होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब न्यूक्लियस से जो बाहर जाना है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू जाएगा, और बाहर से जो अंदर आना है वो न्यूक्लियर पोर के थ्रू ही जाएगा. ठीक है, यही है इसका पहला न्यूक्लियर एनवेलप. अब न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म को ही समझ लो वो न्यूक्लियोप्लाज्म है. बस नाम इसलिए हम लोग चेंज किए क्योंकि पहचान पाए ये किसका न्यूक्लियस है. जैसे मसल्स का सारकोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, उसका न्यूरोप्लाज्म, न्यूरॉन सेल का न्यूरोप्लाज्म बोल देंगे. मतलब है साइटोप्लाज्म बट उसका नाम चेंज है, तो इंटरचेंजेबल वर्ड है. तो न्यूक्लियर एनवेलप एंड साइटोप्लाज्म, समझ में आ गया तुमको? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो. ठीक है, वैसे हम साइटोप्लाज्म के बारे में 2-3 लाइन लिखेंगे, लेकिन इसके बारे में समझे कि नहीं ये बताओ, ये पार्ट समझ गए? यस सर. तो नोट करो. हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे दीक्षा? सर न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है? बोले तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. ठीक है, सपोज दैट मान लो एक ऐसा एग्जांपल, मान लो जिस रूम में तुम रहती है उस रूम में तुम्हारा एक गेट है, तुम्हारा आने जाने का रास्ता क्या है? गेट है. अब खिड़की से तो आओगे नहीं, तो वो जो गेट है वो न्यूक्लियर पोर है. अब मान लो तुम्हारे घर में, तुम्हारे रूम में चारों बगल गेट बन जाता, तो कहीं से आना कहीं से चले जाना, तो वो सेल मेम्ब्रेन उसी तरह काम करता है. बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो काम नहीं करता, मतलब वो डेड है, इसलिए वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हर जगह से नहीं कर सकता. तो उसके लिए एक स्पेशल पोर है, जिसको हम लोग यहाँ घर पे रूम पे गेट बोलते हैं, इसीलिए वहां पे गेट है, चैनल गेट बोल सकते हैं तरह से समझने के लिए. बट वो पोर है तो वो गेट की तरह काम करता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल करवाता है. ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे जो मेन दो पॉइंट है न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन थ्रेड उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, हो गया सर.
हो गया, इसको कंप्लीट लिख लिए? यस सर। ठीक है, चलो देखो अब कुछ कुछ चीजें हैं जो तुमको समझाना न्यूक्लियर पोर में, बस दो तीन चीजें ध्यान देना, ठीक है? देखो न्यूक्लियर पोर में जो ये काम होता है, आई मीन कहने का मतलब न्यूक्लियर पोर का मेन काम हम जैसे बताए कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है, ठीक है? तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है तो आखिर ये जो मूवमेंट का काम है कौन करता है? तो बस एक क्वेश्चन का तुम लोग जवाब दो कि सेल मेम्ब्रेन में कौन करता था ले लाने का ले जाने का? गॉल्गी अपैरेटस। मार खाएगा गॉल्गी। सेल मेम्ब्रेन में गॉल्गी अपैरेटस तो है? नहीं सर, नहीं, प्रोटीन सर। सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, प्रोटीन। तो इसमें भी प्रोटीन ही होगा, ध्यान से समझना बस, और इसमें कुछ है नहीं जानना। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो या सेल मेम्ब्रेन हो, सबका एक प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंशन का, मॉडिफिकेशन का, चाहे मॉडिफाई करके वो कुछ भी चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू यूज, ठीक है? जैसे प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा बना लेता है, ठीक है? कहीं कहीं पे तुम्हारा मतलब बोल सकते हैं कनेक्शन, दो सेल को कनेक्ट करने के लिए सीमेंटिंग का काम कर सकता है, ठीक है? जंक्शन बना सकता है, तो वो एक तरह का सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन। तो इसका भी कुछ कुछ मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है? ये चीज है, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में, उसमें उसका हम तुमको डायरेक्टली तीन चार पॉइंट लिखा देते हैं, क्योंकि वो जस्ट साइटोप्लाज्म का ही कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो साइटोप्लाज्म तो समझ रहे हो, तो हम डायरेक्टली न्यूक्लियोप्लाज्म में लिखा देते हैं, दो तीन पॉइंट है बस। सेकेंड पॉइंट लिखोगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज अ ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड एंड कोलाइडल सब्सटेंस विच फिल द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इट कंटेन न्यूक्लियोसाइड and a number of enzyme, RNA भी होता है, DNA भी होता है, ठीक है? ठीक है, देखो अब जैसे मान लो number of enzyme है, तो for formation of DNA, DNA, RNA, nucleoprotein, nucleoprotein, etc. ठीक है, तो जैसे number of enzyme है, तो हम तुमको एक important चीज लिखा रहे हैं, number of enzyme, ठीक है? तो नंबर ऑफ एंजाइम में डीएनए आरएनए के लिए, जैसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो वहां पे भी नोट कर सकते हो, इसको साइड में भी नोट करके स्टार मार करके लिख सकते हो। आरएनए पॉलीमरेज, ये सब एक ऐसा एंजाइम होता है ना कि ये डीएनए आरएनए के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है? इसलिए हम इसको नोट करके लिख दिए, ये न्यूक्लियोप्लाज्म था, ठीक है? अब हम लोग का नेक्स्ट है क्रोमेटिन। फोर्थ नंबर है क्रोमेटिन।
इट इज अ हेरिडिटरी, इट इज अ हेरिडिटरी डीएनए प्रोटीन फाइब्रिलर, डीएनए प्रोटीन फाइब्रिलर कॉम्प्लेक्स इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ overlapping and coiled fiber which appear to produce a network called chromatin reticulum. Chromatin reticulum. सर वो fibrillar complex. हाँ fibrillar complex मतलब ये thread like होता है, ठीक है, मतलब पूरा क्वाइल्ड होगा, थ्रेड लाइक होगा. हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं हेरिडिटरी डीएनए प्रोटीन फाइब्रिलर? एक्चुअली क्रोमेटिन थ्रेड जब कंडेंस होता है, जब एक साथ आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वाइल में है, लेकिन ये जब एक साथ कंडेंस होगा तो बनाएगा तुम्हारा वही क्रोमोजोम. क्या बनाता है? क्रोमोजोम. ध्यान रखना क्रोमोजोम के अंदर में एक्चुअली डीएनए होता है, क्रोमोजोम के अंदर में डीएनए है, और वो डीएनए को पैकिंग करते हैं तब एक्सप्रेस करते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि डीएनए डीएनए प्रोटीन फाइब्रिलर, ठीक है ना, इसीलिए इसको ऐसा बोला गया हेरिडिटरी डीएनए प्रोटीन फाइबर, ठीक है, ये चीज है. हो गया सर? हो गया, ठीक है. चलो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि क्रोमेटिन रेटिकुलम जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं यू क्रोमेटिन, एक को बोलते हैं हेट्रो क्रोमेटिन. नाम समझना, यू एंड हेट्रो. तो यू क्रोमेटिन जो होता है वो मेनली होता है फंक्शनिंग, और उसके अलावा जो है हेट्रो क्रोमेटिन वो नॉन फंक्शनिंग होता है, मतलब ज्यादा वो वर्क नहीं करता, उतना ज्यादा उसका फंक्शनिंग नहीं है जितना यूकैरियोटिक का फंक्शनिंग है. अब देखो जब तुमको बार बार हम क्रोमेटिन क्रोमेटिन लिख रहे हैं तो क्रोमेटिन का मतलब, यहाँ क्रोमा का मतलब होता है स्टेन, मतलब कि न्यूक्लियस में कुछ थ्रेड ऐसा है, मतलब जो फाइबर्स तो बहुत है उसमें, ठीक है, बट जो फाइबर है जो स्टेन है वो क्वाइल्ड में है, और वही स्टेन वही स्टेन क्वाइल्ड को हम लोग क्रोमेटिन थ्रेड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये स्टेन हो रहा है, और स्टेन होने के बाद ये दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया, एक हुआ यू क्रोमेटिन एक हुआ हेट्रोक्रोमेटिन, और यू क्रोमेटिन को हम लोग ट्रू क्रोमेटिन इसलिए बोलते हैं, यू का मतलब ही होता है ट्रू क्रोमेटिन, तो उसको हम लोग इसलिए यू क्रोमेटिन बोलते हैं क्योंकि वो एक्सप्रेस होता है, इसका मतलब वो फंक्शनिंग है, वो काम कर रहा है, डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है, डीएनए का जो प्रॉपर्टी वो स्टोर करता है, डीएनए का प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करता है वो है यू क्रोमेटिन. क्रोमेटिन थ्रेड हम बार बार वो बोल रहे हैं कि क्रोमेटिन थ्रेड एक्सप्रेस करेगा, लेकिन एक्सप्रेस क्यों करेगा भाई? तो उसका भी दो टाइप है, सारा एक्सप्रेस नहीं करता ना, कुछ ही करता है और कुछ नहीं करता, तो जो करता है उसको यू क्रोमेटिन लिख दिया, जो नहीं करता है उसको हम लोग हेट्रो क्रोमेटिन कर दिया. मतलब कहने का इन शॉर्ट कि क्रोमेटिन थ्रेड में यू क्रोमेटिन एक ऐसा पार्ट है जो फंक्शनिंग पार्ट कहलाता है, जो अल्टीमेटली डीएनए एंजिन को कैरी, या फिर बोल सकते हैं डीएनए एंजिन को वो डीएनए एंजिन सॉरी उसमें प्रेजेंट होता है, या फिर वो कैरी करता है ताकि वो एक्सप्रेशन कर सके, ट्रांसफर कर सके, ठीक है, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये चीज है. अब देखो इसके बाद जो नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का न्यूक्लियोलस. तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा तीन चार लाइन है उसको लिख देते हैं. ये पूरा लिख लिया,
ठीक है। यस सर। ठीक ठीक। देखो क्रोमेटिन या नाम याद रखना, क्योंकि इसका इसको स्टेन करते हैं तो कलर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका नाम क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को डिफरेंशिएट दो पार्ट में किया गया है, यू एंड हेट्रो। यू क्रोमेटिन इज अ फंक्शनिंग पार्ट एंड हेट्रो क्रोमेटिन इज अ नॉन फंक्शनिंग। देखो उसमें भी फंक्शनिंग है, ऐसा नहीं कि नहीं फंक्शनिंग है, बट ज्यादातर जो है यूकैरियोटिक पार्ट, यू क्रोमेटिन पार्ट को ही फंक्शनिंग वहां बताया गया है। ठीक है, चलो सर। हाँ सर, सेकंड पॉइंट का विच इज फ्रॉम द, उसके बाद क्या लिखें? बल्क, बल्क ऑफ क्रोमेटिन मतलब वो मास में रहता है बड़ा, मतलब बल्क का मतलब होता है मास। ठीक है, मतलब क्वाइल होता है तो हाँ, बी यू एल के सर। सर अभी और भी लिखना है। अभी और ज्यादा दो चार लाइन है।
ये कंप्लीट हो गया। मतलब अभी ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ है, मतलब क्रोमेटिन वाला, ठीक है। अब हम लोग न्यूक्लियोलस थोड़ा सा पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो बोलो सर, टेक पार्ट इन के बाद क्या लिखे हैं? टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन और फॉर्मेशन ऑफ आरएनएज। सर ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है ये प्रोसेस है जिसमें डीएनए आरएनए आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ सर, सर हो गया, हो गया। चलो अब हम लोग का ए, अच्छा लिख लो आराम से लिखो, कोई बात नहीं। थ्रेड इज के बाद क्या लिखे हैं? थ्रेड इज कंडेंस्ड टू फॉर्म अ डेफिनेट नंबर, कंडेंस्ड टू फॉर्म अ डेफिनेट नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। सर हो गया। सर हो गया सबका? यस सर, यस सर। अब हम लोग, हाँ ठीक है, अब एक है हम लोग का न्यूक्लियोलस, छोटा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है कॉन्सेप्चुअल पूछता है, बहुत सारा क्या मतलब जितना भी मैकेनिज्म वगैरह होना है आरएनए डीएनए उन्हें सब वहीं पे बनता है। तो सबसे पहले राइबोसोम वगैरह जो है वो वहीं पे बनता है। सबसे पहले उसके बारे में जान लो कि न्यूक्लियोलस जो होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स है। मतलब उसमें, उसके ऊपर में कोई कवरिंग होता ही नहीं है। तो सबसे पहला सवाल कि अगर कवर नहीं होता तो उसका शेप एंड साइज कैसे मेंटेन होता है? यानी तो वो तो स्प्रेड कर जाएगा ना, पूरा स्प्लिट कर जाएगा, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर मान लो ये न्यूक्लियस है तो वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, एक ही जगह प्रेजेंट होता है। आखिर क्या रीजन है कि ये ग्रैनुलर स्ट्रक्चर में दिखाता है?
तो हम बोल सकते हैं कि ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, इस फॉर्म में ठीक है, मतलब ये नहीं होगा जी, इट इज ग्रैनुलर लाइक स्ट्रक्चर। देखो क्यों, अब जैसे मान लिया जाए ये बोलता है कि ग्रैनुलर लाइक है, तो ऐसा तो कुछ ना कुछ ऊपर में तो कवरिंग होगा या कोई ना कोई वैसा चीज तो होगा जो इसको ग्रैनुलर साइज प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कैल्सियम क्या होता है, Ca2+ कैल्शियम जो है उसके स्ट्रक्चर को ग्रैनुलर बना के रखता है। ठीक है, अब उसका पोर्शन की बात करते हैं। तो ग्रैनुलर जो है जो न्यूक्लियोलस है तो उसका चार पोर्शन है, चार पार्ट है उसका। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है मैट्रिक्स, क्या है मैट्रिक्स, पहला क्या है मैट्रिक्स, दूसरा है ग्रैनुलर, ग्रैनुलर उसके बाद है फाइब्रिल या फिर हम लोग उसको बोलते हैं फाइब्रिल पोर्शन, पोर्शन पोर्शन, और ये लास्ट में है तुम्हारा क्रोमैटिन, सॉरी चार हैं क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर। ठीक है, देखो हम इसका फिगर बना के समझाते हैं। सबसे फर्स्ट में ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, समझना पहले। ये इस तरह से होता है, ये जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको ये कैल्शियम की वजह से ऐसा होता है। अब इसके अंदर में इस तरह से फाइबर्स में अगर कोई प्रेजेंट है, फाइबर्स का स्ट्रक्चर जो है उसको हम लोग फाइब्रिल पोर्शन बोलते हैं, फाइब्रिल पोर्शन, क्या बोलेंगे फाइब्रिल पोर्शन। और ग्रैनुलर जो है इस तरह से, और ये ग्रैनुलर होता है तो ये राइबोसोम के बनाने में हेल्प करता है, ये हम ग्रैनुलर पोर्शन बोलते हैं, पोर्शन। ठीक है, और ये क्रोमैटिन थ्रेड का भी पोर्शन यहाँ पे होता है। तो क्रोमैटिन थ्रेड का काम तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो होता है ऊपर वाला स्पेस को बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन, पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन, क्रोमैटिन, क्योंकि ये कनेक्ट होता है क्रोमैटिन से। जब सॉरी क्रोमैटिन फाइबर बाहर में नहीं रहता है, ये अंदर से ही, मतलब ये अंदर से नहीं रहता, ये बाहर से रहता है जो क्रोमैटिन फाइबर है। तो देखो फाइब्रिल मतलब फाइबर्स प्रोवाइड हो गया, ग्रैनुलर है तो कहीं ना कहीं ये राइबोसोम का फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एंड मैट्रिक्स है तो ये भी मैट्रिक्स जो अंदर का पार्ट है, जो पूरे पार्ट को हम लोग अंदर का पार्ट को हम लोग मैट्रिक्स बोल रहे हैं, तो ये प्रोटीन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है बहुत सारे अमाउंट में। ठीक है, फाइब्रिल है तो फाइबर्स होगा जो एक तरह का शेप एंड साइज भी बोलता है कि इसको मेंटेन करता है फाइबर्स वगैरह। अब क्रोमैटिन थ्रेड का मेन काम क्या है, तो क्रोमैटिन थ्रेड का मेन काम होता है मतलब बोल सकते हैं इसको कि ये आरएनए वगैरह का, आरएनए वगैरह का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, आरएनए वगैरह का डेवलपमेंट है। और देखो ये जो पेरी न्यूक्लियर क्रोमैटिन है ये इसी का पार्ट होता है। ठीक है, जो बाहर से क्रोमैटिन से अटैच होता है तो हम लोग लिख सकते हैं एसोसिएटेड या अटैच्ड विथ क्रोमैटिन थ्रेड, क्रोमैटिन थ्रेड ऐसा हम लोग लिखते हैं, यही न्यूक्लियस। अब यहाँ पे देखो ग्रैनुलर पोर्शन है, क्रोमैटिन पोर्शन है, तो ध्यान रखना कि न्यूक्लियस एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है जो आरएनए एंड प्रोटीन दोनों बनाता है। जब आरएनए बनाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आरएनए, उसमें से एक इंपॉर्टेंट आरएनए है आरआरएनए, और आरआरएनए जो है वो राइबोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ध्यान रखना न्यूक्लियस जो है हम बोल सकते हैं डायरेक्टली ये फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम में हेल्प करता है, राइबोसोम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन पूछता भी है, क्वेश्चन कैसे आता सुन लो, पूछेगा कि व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम इन सेल डायरेक्टली। तो ध्यान रखना कि सेल में जो राइबोसोम है कहां से आता है, तो न्यूक्लियस से। ये न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस में ये बना और ये पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में चल गया। तो जितना भी काम होता है प्रोटीन से रिलेटेड, डीएनए आरएनए से जो भी रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियस उसमें
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर अटैच नहीं होगा तो आरएनए नहीं बनेगा, और आरएनए डीएनए आरएनए का अगर नहीं सही से काम करेगा तो कोई भी सेल जो है वो काम सही से नहीं करता, मतलब इंफॉर्मेशन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं लेकर जाएगा, जो कि वेरिएशन का भी कारण है और वो कॉपी भी है, मतलब एक तरह का ब्लू प्रिंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, डीएनए इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ताकि वो काम कर सके। ठीक है, ये न्यूक्लियोलस, इसको तुम स्क्रीन शॉट ले लो क्योंकि इसमें तुमको नोट करने के लायक बस ये वाला चीज है, कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसका हम नेक्स्ट क्लास में न्यूक्लियोलस को साथ साथ में लेते हुए क्रोमोसोम के बारे में भी पढ़ेंगे, क्रोमेटिन थ्रेड क्या है वगैरह क्या है, उसका नोट भी कंप्लीट करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास सेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब संडे को। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। हाँ सर, अभी जो आप क्वेश्चन बताया सर, वो फिर से रिपीट करके बताइए ना सर। प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम लिख देते हैं, देखो प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम, और तुम किसी भी अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, अगर वो सेल कंप्लीट कर लिया है तो उसका आंसर, इसका आंसर जल्दी उसको पता नहीं होगा, बहुत कम बताते हैं ये सब चीज। ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तुमको बहुत कम मिलेगा, लेकिन मिलेगा तो डायरेक्टली यही मिलेगा। ठीक है, तो प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोम, हो गया सर, हो गया। ठीक है, चलो तो ये बस नोट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास इसी को हम मतलब सारा कुछ बता दिए, बस इसका हम आगे लिखवाएंगे, और क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पे। क्रोमोसोम हम लोग को बेसिक जो क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करना है हम लोग यहीं पे कर लेंगे। ठीक है, डीएनए आरएनए में जाने के बाद हम बेसिक हम नहीं बताने वाले, तो यहाँ से ध्यान से ना तुम लोग को नहीं बताएंगे। ठीक है, बाकी बात जो आएगा अगर मान लो उसको प्रॉब्लम है तो बताया जाएगा, क्योंकि वहां तो क्रोमोसोम बोल के कुछ टॉपिक है नहीं। ठीक है, क्रोमोसोम में टाइम लग जाता है, मतलब तुम्हारा वो है, तो अभी यहाँ पे आराम से इसको पढ़ते हैं। ऐसे क्रोमोसोम में ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि क्रोमेटिड्स का सेंट्रोमियर का अरेंजमेंट को लेके चार्जेस दिया है, मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, केलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, बस यही, और वही क्वेश्चन में पूछता है। बट वो होता क्या है, कैसे उसको बोलते हैं, वो कैसे फॉर्म करता है, वो मेनली क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हम लोग वो नेक्स्ट क्लास जरूर पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये ठीक है। सो तुम लोग का टेस्ट कब है, संडे को? हाँ सर। ठीक है, मतलब लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट है ना? जी सर। ठीक है, ठीक है, तुम लोग पढ़ो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर डाउट के लिए है ही। ठीक है ना, तुम लोग आराम से चैट में मैसेज कर दो, या फिर अगर नंबर नंबर है तो फिर जिसको जिसको है भेज दो हमको, कोई दिक्कत नहीं व्हाट्सएप वगैरह पर। ठीक है, हम आंसर करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हो। क्लियर है? हाँ सर। यस सर, सबका। हाँ, तुम लोग को एक एक इम्पोर्टेंट तुम लोग बोल रहे थे, दीक्षा बोल रहे थे, दीक्षा ध्यान दो। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड का जो सेकंड टॉपिक पढ़ाया था ना, सिस्टमैटिक वगैरह, हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, एग्जांपल, उसको अच्छे से करना, उससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है, मेडिकल में पूछेगा और टेस्ट में भी क्वेश्चन बनेगा, तो इतना हिंट है, काफी है, करो, फिर जो भी प्रॉब्लम होगा डायरेक्टली हमसे पूछ ही सकते हैं। सो सबको ही सेकेंड टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना, फर्स्ट टॉपिक का एग्जाम्पल वगैरह करना, उससे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन रहेगा, तो एक बार थोड़ा ले, भी बहुत टाइम है, क्योंकि हमको लग रहा है संडे को टेस्ट होगा तुम लोग का ना। ठीक है, संडे को टेस्ट होगा तो आराम से इसको पढ़ो। ठीक है, फिर अगर कुछ प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं बन रहा है, तो आराम से हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, सो आज का क्लास यहीं रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास फिर